अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने वॉल्ट ऐप का पासवर्ड भूल गए हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप अपने वॉल्ट ऐप का पासवर्ड अपने आईफोन में किस तरह से फॉरगेट कर सकते हैं। तो कुछ मंथ्स पहले मैंने इसी में वीडियो बनाई थी कि हम एंड्रॉयड में अपना वॉल्ट ऐप का पासवर्ड किस तरह से फॉरगेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो कोई एंड्रॉयड यूज़र्स देख रहा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो आईफोन यूज़र्स के लिए है कि आईफोन यूज़र्स मैम आईफोन में अपना ऐप का वॉल्ट ऐप का पासवर्ड किस तरह से फॉरगेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, मेरा नाम नुमान जुवेद है और आप देख रहे हैं टेकपिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने अपने वॉल्ट ऐप के अंदर अगर आपने अपना रिकवरी ईमेल नहीं डाला हुआ पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए, रिकवरी ईमेल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिकवरी ईमेल नहीं डाला तो आपका जो पासवर्ड है वो फॉरगेट नहीं हो सकता। आप अपनी वीडियो ये वाली वीडियो देख छोड़ के जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आपने अपना वॉल्ट ऐप के अंदर पासवर्ड अपना सॉरी ईमेल डाला हुआ है तो आप इजीली अपना जो पासवर्ड है वॉल्ट का वो फॉरगेट कर सकते हैं। ईमेल कैसे रिकवरी में डालते हैं, आपने सेटिंग्स में जाना है, वॉल्ट ऐप ओपन करके सेटिंग्स में जाके अपने सिक्योरिटी ईमेल में जाना है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपना जो अकाउंट है वेरीफाई किया हुआ है, सिक्योरिटी ईमेल मैंने इसमें डाली हुई है, मेरा जो गूगल का अकाउंट है वो मैंने इसमें डाला हुआ है, तो मेरा वेरीफाइड है वो गूगल के साथ। तो अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ तो मैं इजीली फॉरगेट कर सकता हूँ। तो मैं फॉरगेट किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्ट ऐप मैं क्लोज़ कर देता हूँ तो फिर से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको वॉल्ट जो ऐप का जो फॉरगेट का ऑप्शन है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। आपने फॉरगेट करना किस तरह है, आपने दो तीन दफ़ा आपने गलत पासवर्ड लगाना है इस तरह करके दो तीन दफ़ा, तो आपको पासवर्ड जो फॉरगेट का ऑप्शन है वो नज़र आ जाएगा। तो जैसे नज़र आएगा आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आप तो जौन सी ईमेल मैंने अपनी डाली हुई थी वॉल्ट ऐप के अंदर, जौन सा मैंने अपना सिक्योरिटी ईमेल डाली हुई थी, उस ईमेल के ऊपर आप देख सकते हैं मुझे जो वेरीफिकेशन कोड वो आ गया है। तो वेरीफिकेशन कोड क्या है, 8N3W। तो इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये वेरीफाइंग हो रहा है। तो ये रीसेट पासवर्ड का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आपने रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और आपने अपना न्यू पासवर्ड रख देना है। जो आप पासवर्ड भूल गए उसको आपने छोड़ देना है, न्यू पासवर्ड आपने रख लेना है। जैसे मैं 1 2 3 4 5 ओके करता हूँ तो री एंटर करना है आपने 1 2 3 4 5। तो ओके करता हूँ मैं, सॉरी ये गलत हो गया, 1 2 3 4 5 फिर से 1 2 3 4 5 फिर ओके करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड रख दिया है। तो अब मैं इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, वॉल्ट ऐप ओपन करता हूँ। तो मैंने अभी जो पासवर्ड अपना फॉरवर्ड करके रीसेट पासवर्ड किया है मैंने उसको 1 2 3 4 5 ओके करूँगा तो मेरा जो वॉल्ट ऐप है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने अपनी वॉल्ट ऐप के अंदर रिकवरी ईमेल डाली होगी तो आप इजीली अपना जो पासवर्ड है उसको 2 मिनट के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद ही होगी। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।